नमस्कार बच्चों, मैं नेहा आज आप सबके सामने दोबारा से आई हूँ। इंग्लिश से रिलेटेड कुछ नहीं बात करने वाली, घबराना मत, ध्यान से सुन लेना, बड़े काम की बात करने वाली हूँ। और काम की बात उन बच्चों के लिए है जिनका कोर्स पूरा हो चुका है, लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है, लेकिन वो तरह का बेनिफिट नहीं हो रहा है जैसा वो चाहते थे। लाइब्रेरी ज्वाइन तो कर लिया है पर आधी बार जाते नहीं है। जाते हैं तो दोस्त का कॉल आ जाता है, उठ के आना पड़ता है, फोन डिस्टर्ब करता रहता है, फोन छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे जितने ये सभी बच्चे हैं जो इनमें से किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, वो एक बार रोहतक पावर हाउस चौक पर वैदिकन सिस्टम जरूर आकर के हमारे किसी भी स्टाफ मेंबर से पूछें। वैदिकन सिस्टम स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए बनाया गया है जो रेगुलर नहीं हो पा रहे, अपने फोन से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं, दोस्ती ने परेशान कर रखा है, यानी अटेंडेंस कंपलसरी है, फोन हम आपका जमा करवा लेते हैं, रोज डाउट लेता है टीचर आपसे, रोज आपका टेस्ट होता है, कंपलसरी है, देना पड़ेगा, अटेंडेंस एक एक मिनट की मार्क की जाती है, आप लेट नहीं आ सकते हो, और अगर कोई लेट आता है तो सजा के प्रावधान भी हैं। और सजा के प्रावधान कुछ इस तरीके से हैं कि उस बच्चे को 100 idioms ज्यादा याद करने पड़ेंगे, या उसे एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी देनी पड़ेगी। उसमें फिक्स सेल्फ स्टडी का भी सिस्टम है, रोज इतने घंटे तो बच्चे को बैठ के पढ़ना ही है। और तीन लेवल पे होता है वैदिकन का बैच। फर्स्ट बेसिक लेवल होता है जहां हम अंडरस्टैंडिंग देते हैं, सेकंड अंडरस्टैंडिंग बनने के बाद टेस्ट रिवीजन डाउट वाला सेक्शन होता है, और तीसरे टारगेट वाले बच्चे, यानी इन दोनों में से फाइनलाइज कर लेते हैं हम टारगेटेड स्टूडेंट्स जिन्हें हमने रिजल्ट तक पहुंचाना होता है। तो अब की बार वैदिकन में जितने भी इस टारगेट बैच वाले बच्चे थे, उन सब का, ध्यान से सुनना, उन सब का कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा तीन तक टेस्ट पास हुए हैं, A to Z हर बच्चे का। मीन्स मैं 100% रिजल्ट की बात कर रही हूँ, 10, 20, 30 नहीं, जो यहाँ टारगेट बैच में बच्चे थे, यहाँ से तैयार करके यहाँ जो हमने पहुँचा दिए थे ना टारगेट बैच में, वो बच्चे वो लाइब्रेरी सिस्टम में ही माने जाते हैं, पर उसमें हर बच्चे का कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 तक पेपर उन बच्चों के पास हो चुके हैं, हर एक बच्चे का। तो आप भी आओ, इस सिस्टम का हिस्सा बनो, रूटीन बनाओ, अपने आप को बंदिशों में डालो और 100% रिजल्ट वाले बैच का हिस्सा बनिए। यहाँ आएंगे तो हम उन बच्चों से भी आपको मिलवाएंगे जो सिलेक्ट हुए हैं, और 100% वाले एक एक बच्चे से हम आपको मिलवाएंगे। तो कोई ये ना सोचे कि हाँ ठीक है, एडवर्टीजमेंट के लिए कुछ भी बोल रही है, रोहतक आओ, कोई कुछ भी, मतलब जो जिस बच्चे से मिलकर पूछना चाहोगे उसी से पूछवा देंगे। हर एक बच्चे का उस बैच में पेपर पास हो गया है। तो जितने भी बच्चे जहां भी लाइब्रेरीज में बैठे हैं, मैं उन सबको इनवाइट करती हूँ विजिट के लिए, एक बार पक्का आएं और इस बैच के बारे में जानें, समझें, अटेंड करें और सिलेक्ट होके यहां से निकले, मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी।